एक विजिटर मैनेजमेंट का सेटअप लगाया हुआ है। एक इसमें टैबलेट है, एक इसमें प्रिंटर है। अभी मैं आपको विजिटर मैनेजमेंट का यूआई दिखाता हूँ। जैसे विजिटर मैनेजमेंट में हम गए तो यहाँ पे ना चार ऑप्शन बनाया हुआ है। अगर विजिटर सेल्फ चेक इन करना चाहता है तो क्यूआर कोड स्कैन करके सेल्फ चेक इन कर सकता है। आइदर वो जो आपका गार्ड होगा या कोई पर्सन होगा जो रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं, उस चेक इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे विजिटर का नंबर डालेंगे, लाइक जो नंबर है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पूछेगा विजिटर का नेम क्या है, तो नेम मेंशन कर देना है। विजिटर का मेल आईडी है आपके पास तो कुछ डाल देना है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद विजिटर का एड्रेस क्या है वो आपको डाल देना है। विजिटर का एक फोटो कैप्चर करना है, नेक्स्ट करना है। इसके बाद ये दिखा रहा है कि विजिटर किस कंपनी से मिलने के लिए आया हुआ है। आईडी टाइप अगर कुछ आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर कुछ आइटम कैरी कर रहा है विजिटर, लाइक लैपटॉप या एनी अदर थिंग, तो आप यहाँ पे उनका इनपुट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट में होस्ट कौन है जिनसे वो मिलने के लिए आया है कंपनी में, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट का अगर लिस्ट लंबा है तो यहाँ पे आप टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने टाइप किया ऐसे, तो जो भी ऐसे के नेम में जिसमें ऐसे आ रहा होगा वो लिस्ट आ जाएगा, आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे पर्पस क्या है, पर्पस में डाल देना है मीटिंग है या कोई और रीज़न से वो आए हैं तो आप डाल देंगे। सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद ये आपकी एक रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी फॉर अप्रूवल, अगर आपने अप्रूवल के लिए उसको अलाउ किया हुआ है। अगर अप्रूवल नहीं लगाया हुआ है तो डायरेक्टली आपका पास प्रिंट हो जाएगा। अप्रूवल के लिए एक स्टेप से आपके पास मेल आया होगा, जो होस्ट होंगे उनके पास एक मेल आएगा। मैंने मेल को क्लिक किया, यहाँ पे विजिटर की सारी डिटेल्स आ रहा होगा, विजिटर आईडी, विजिटर नेम, पर्पस क्या है, आइटम क्या क्या कैरी कर रहे हैं। इसको अगर अप्रूव किया मैंने तो आपका ये मेल अप्रूव हो जाएगा, विजिटर की एंट्री अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, वापस से टैबलेट पे आते हैं। यहाँ पे अगर उनका विजिटर की एंट्री अप्रूव हो जाती है तो पास जनरेट पे जाना है। अगर विजिटर की एंट्री अप्रूव नहीं होती है तो स्टेटस में पेंडिंग आएगा, और यहाँ पे कोई भी पास जनरेट करने के लिए टैब नहीं आ रहा है, बटन नहीं आ रहा है। और अभी जो हमने इनरोल किया है, विजिटर को ऐड किया है, उनका अप्रूव कर दिया है, तो स्टेटस में अप्रूव्ड आ गया है। और यहाँ पे दो टैब भी आ गए हैं, एक एग्ज़िट विजिटर करने के लिए और एक पास जनरेट के लिए। तो मैंने पास जनरेट पे क्लिक किया, मेरा पास जनरेट हो गया। पास को प्रिंट करना तो प्रिंट पास पे क्लिक किया, प्रिंट पास किया, तो जो भी प्रिंटर लगा होगा उस पर एक पास प्रिंट हो जाएगा, जिसमें आपकी कंपनी का लोगो आ रहा होगा, कंपनी का एड्रेस आ रहा होगा, इसमें जो विजिटर है उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो आ रहा है, विजिटर का फोटो आ रहा होगा, एक विजिटर का क्यूआर कोड आ रहा होगा। और नीचे आप देखेंगे तो आप जैसे कोई विजिटर विजिट करता है तो उनका किन से वो मिलने गया है उसका सिग्नेचर भी आप ले सकते हैं, लाइक सिक्योरिटी का सिग्नेचर और होस्ट का सिग्नेचर और विजिटर का सिग्नेचर। और आप एक नीचे टैगलाइन डाल सकते हैं कि आपका जो पास जो जनरेट हुआ है वो कितनी देर के लिए वैलिड रहेगा।